स्वागतम स्वागतम एक और नए वीडियो में। और भाई आपका भाई आज ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि भाई आज के वीडियो में ना मुझे खुद नहीं पता भाई क्या क्या खाने के लिए होने वाला है। क्योंकि आज सीन कुछ ऐसा हो गया था, मेरा फ्रेंड एक जो देहरादून में रहता है, आज भाई सारा फूड मैंने फ़ोन पे उसे ऐसे बोल दिया। मैंने कहा भाई जो सबसे बेस्ट तुझे लग रहा हो ना उठा ला तू सब कुछ भाई, 5 आइटम, क्योंकि भाई बहुत टाइम से ना अपनी जो चॉइस के मैं खा रहा हूँ ना फूड, तो मे भी हो सकता है कि आप लोगों को उतना अच्छा ना लग रहा हो। आज भाई मेरे लिए भी सरप्राइज़ है और फूड तो सारा आ गया है भाई, अगल बगल में सारा टेबल की तरफ रखा हुआ है। तो भाई जल्दी से फूड को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, और अभी मेरे को भी नहीं पता भाई किसमें क्या क्या है, तो मैं पहले सब कुछ इधर ले आता हूँ ताकि आप भी देख लो। बाकी मैंने ऊपर से थोड़ा बहुत अनुमान लगाया कि भाई ये हो सकता है या ये हो सकता है, पर अभी आप लोगों के साथ ही मिलके देखेंगे भाई कौन सा फूड क्या है। भाई एक तो सीधा समझ में आ रहा है, तो पिज़्ज़ा है। उसने मुझे पर्सनल बोला था भाई ये पिज़्ज़ा ट्राई करना, तो पिज़्ज़ा तो हमने बहुत खाए हैं, इसको भी देखेंगे। और ये है मे भी हो सकता है पेस्टी पेटीज वगैरह हो, देखते हैं अभी क्या है। ये पिज़्ज़ा अपना आ गया। और भाई ये क्या चीज़ है भाई, देखने में ना मुझे लग रहा है भाई कोई नान है कोई दूसरे स्टाइल के, तो भाई देखते हैं क्या है भाई। बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है। और भाई ये भी है कुछ गरम बहुत है, इसको यहाँ रख लेते हैं। और भाई भाई ये तो मोमो है, ये तो मैं ऐसे बता दूंगा मोमोज है। और ये मोमोज की चटनी हो गई, और कुछ छूट तो नहीं रहा यार, नहीं भाई। तो भाई फटाफट से भाई फूड बहुत सारा हो गया है, और मैंने उससे कहा था कि भाई तू जितना लाएगा ना उतना खा लूँगा मैं, पर भाई ये फूड बहुत ज़्यादा आ गया है। और चलिए लेट्स सी कि देखते हैं भाई इसे हम फिनिश कर पाते नहीं कर पाते, और कौन से बॉक्स में क्या क्या, जल्दी जल्दी खोलते हैं भाई। कुछ लग तो रहा है बढ़िया सा वाइट वाइट सा क्रीम वगैरह सी इसके अंदर भाई, क्या झोल झपाटा है ये, मेरे को तो समझ में आ नहीं रहा पहली बार में। आप भी देख लो और देख के गैस कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो क्या है। दिखा देता हूँ मैं आपको भाई, ये कुछ ऐसा कुछ है, ये क्या है ये, यहीं रख देते हैं इसे ताकि आप लोग इसके दर्शन करते रहो। एक ही चीज़ समझ में आई है अभी तक, छोले और दूसरा वो चटनी वटनी जो है। हाँ ये वाइट सॉस पास्ता, ये क्या है भाई, ओहो ये तो बर्गर है। कौन सा बर्गर, कहाँ का बर्गर, बर्गर कम थोड़ी खाए हमने, अच्छा लग रहा है देखने में यार बर्गर, मतलब ठीक है, मतलब चीज़ वगैरह भर रखा बर्गर के अंदर। क्या भाई अमृतसरी छोले, भाई मैंने फ़ोन करके ना बकायदा पूछा उससे भाई कहाँ से क्या क्या है, तो भाई का कुछ बाद में मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल तो भाई जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो भाई अमृतसरी छोले, और भाई ये है दही भल्ले, और नहीं ये है भाई दही भल्ले पीछे रखे हुए जो, भाई ये है एक आलू की टिक्की डिफरेंट टाइप की जो नई नई चली, अभी देखते हैं भाई खा के पता चलेगा। और यहाँ पे रखा भाई वाइट सॉस पास्ता जो बहुत टेस्टी लग रहा है, इसमें एलिपेनो वगैरह सब कुछ बढ़िया भरा हुआ है। और भाई उसने मुझे ये मोमोज भेजे और स्पेशल बोला भाई मोमोज ट्राई करना बहुत ही टेस्टी हैं। उसके साथ ही भाई ये चटनी जिसकी बात हम शुरू में ही कर रहे थे, दही भल्ले मैंने आपको बता दिए। भाई एक बर्गर रखा है पीछे, ये चीज़ बर्गर है, इसके अंदर एक पैटी है, वेज है नॉन वेज है खा के पता चलेगा। साथ में भाई यहाँ पे ना एक पिज़्ज़ा रखा हुआ है, ये भी स्पेशली मुझे बोला कि भाई ये पिज़्ज़ा खा के बताना कैसा है, क्योंकि इसमें चीज़ ना मुझे पहले से दिख रहा है बहुत सारा चीज़ इसमें भरा हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और जिसने भी चैनल को भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा ना भाई, भाई प्लीज़ से भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स ईट और जल्दी सब्सक्राइब कर लो चलो। तो फ्रेंड सबसे पहले हम शुरू करेंगे कुलचे से, क्योंकि कुलचे ठंडा हो जाएगा भाई के बाद। और भाई अभी तो ये बहुत सॉफ्ट है, कंजूसी बिल्कुल नहीं भाई, मुझे तो बड़े बाइट ही ले। और अरे भाई 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 गिनना नहीं गिनना नहीं गिनना नहीं, ओ ओ ओ ओहो गिर रहा है। तो ये कुछ ऐसा एक नंबर, ये वाला बाइट अच्छा है, इसमें छोले बोले ना सही आ गए। भाई जिसके भी यहाँ के हैं ना ये तो मुझे पता नहीं है, पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो भाई बर्गर को देख लो, इसमें भी देखते हैं भाई क्या खासियत है, इसको भी ट्राई करना बनता है यार, उल्टा हो जाएगा मामला, कभी कभी ना खोपड़ी काम ही नहीं करती कैसे खाना है। बढ़िया भाई चीज स्प्रेड तो ऐसे कर रखी है इसके अंदर भाई, लबालब बर्गर हो तो ऐसे ही हो।
चीज़ का समुंदर में गोते लगाता हुआ मैं वॉक इन फूडी। जगह बातों बातों में एक चीज़ भूल गए, मोमो की चटनी, बहुत तीखी चटनी है यार, पैकेट खोलने में ही चल गई। एक भाई बड़ा वाइट, पता नहीं मुंह में घुसेगा नहीं घुसेगा, ले तो लिया यार, घुसना ही पड़ेगा। तो भाई ये क्वेश्चन ना काफी टाइम से आप लोग बहुत जोरों शोरों से पूछ रहे हो और मुझे लगता है उसका जवाब मुझे देना चाहिए। तो मुझे ना काफी ज्यादा ये पूछा जाता है कि भाई इतना खा लेते हो, जाता कहाँ है? मतलब तुम पहले तो बहुत से लोग ये सोचते हैं भाई कि ना मैं बहुत मोटा हूँ, मतलब ना मैं ऐसे दिख रहा हूँ तो मतलब मैं हेल्दी हूँ। तो भाई मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, भाई मैं सिंपल लड़का हूँ, देख लो ये, देखो या ना पेट वेट कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। और ये देखो अगर आपको दिख पा रहा होगा तो मतलब मेरे आर्म्स वगैरह सब कुछ भाई सिमेट्री बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। प्रोडक्ट बताऊंगा जिसे खाने के बाद, जिसे अगर आप रेगुलर खाओगे, मतलब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जिसे आप रेगुलर खाओगे ना तो भाई आप कितना भी खा सकते हो। उसके लिए कुछ नहीं करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं जल्दी आने वाली वीडियोस में जरूर से इसका खुलासा करूँगा। ठीक है, तो अभी क्या खाएं यार? ये पास्ता इतना बड़ा बड़ा है और स्पून दे रखी इन्होंने यार इतनी सी, यार ये तो बड़ी नाइंसाफी है यार। तो भाई ये रहा पास्ता, अबे यार इसने अपना ढूंढ लिया रास्ता भाई, इसे पता नहीं अभी किसके हत्ते चढ़ा हुआ है, छोड़े नहीं कुछ नहीं। तो भाई ये गया व्हाइट सॉस पास्ता। दूध में नहाया हुआ पास्ता, अमूल दूध पीता है इंडिया, इंडिया का तो पता नहीं पर मैं अमूल दूध नहीं पीता बिल्कुल भी, बकवास है। अपना तो भैया सिद्ध गैया और भैंस का दूध आता है, और कैलेस्ट्रॉल वेलेस्ट्रॉल का कोई सीन नहीं भाई, सब कुछ बढ़िया है। 1-1.5 साल हो गया वीडियो बनाते हुए, दबा के खा रहा हूँ, पर मेरी एक्टिविटीज़ हैं उसमें बहुत सारी। लाइफ रूटीन मेरा क्या है मैं बताऊंगा आपको, लाइफ स्टाइल क्या है वो आगे चल के वीडियोज़ में बात करेंगे। है तो दिख तो रही है। तो भाई हम क्या बात कर रहे थे, पहले खाते हैं यार, बात बहुत हो गई। कमेंट करो कुछ भी करो। बाकी आपने कुछ भी पूछना हो ना तो कमेंट कर देना भाई, जेन्युइन चीज़ पूछोगे मैं जरूर से जवाब दूंगा। बाकी कमी निकालनी होगी तो निकाल देना भाई, जहाँ निकालनी है तो मैं तुम्हें जो मन करे वो मार दो भयंकर कमेंट, कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम्हारा भाई सब देख लेगा। ढक्कन लगाया था इसके नीचे। तो भाई पिज़्ज़ा की बहुत तारीफ होती है, पिज़्ज़ा भी देख लेते हैं भाई। तो भाई ये पिज़्ज़ा इसके अंदर टमाटोज कैप्सिकम ऑनियन वगैरह सब पड़ी हुई हैं, ऐसा दिख रहा है ये। हेटर्स तो भाई सब जगह हैं और हर फील्ड में मतलब मिल ही जाते हैं भाई, लोग तो कोसते ही रहते हैं, इनका कुछ नहीं कर सकते। बस भाई इतना कर सकते हैं भाई, मैं तो अपने टारगेट पे फिक्स हूँ, मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, स्मॉल मिलाता रहूँगा, लार्ज बनाता रहूँगा। मुझे पता जो मेरे अपने बंदे हैं ना, मतलब अपने सब्सक्राइबर हैं जो भाई चाहते हैं कि मैं कुछ करूँ लाइफ में, तो वो भाई मेरा वीडियो पूरा ही देखते हैं, मुझे पता है वो डाई हार्ड फैन है जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाया है। कोई ऐसे ही नहीं किसी का चैनल सब्सक्राइब कर लेता भाई, रोज़ थोड़ी सकल देखेगा कोई किसी के बैठे, तो थैंक यू यार।
भाई अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि दही बल्ले ना हो गई। तो भाई एक ना भारी भरकम टिक्की है जिसके अंदर ना मटर वगैरह पता नहीं क्या क्या भर रखा है, मतलब भरवा टिक्की बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया। बेकार सब बच्चे भाई, इससे कुछ उठ ही नहीं रहा। ऐसा करूं है अब तो उठ गया। अच्छा प्यार दिया उस वीडियो को। कितना बढ़िया लग रहा है। और कमाल की बात है लोकल पिज्जा है ये। लोकल मतलब वैसे रेस्टोरेंट वगैरह का बॉक्स पता नहीं कहाँ गिर गया, उसका होल्डर में दिखा था आपको। उस पर वैसे पिज्जा लिखा हुआ है पिज्जा। ना देखो लंबी लंबी ऊपर कटी भी रखी हुई अदरक की है ये। भाई वाह, लाइफ में दही भल्ले शायद दूसरी तीसरी बार खाए होंगे मेरे बाहर के कहीं के, पर जहाँ के भी खाए ना भाई, जहाँ के भी है ना, मैं उसके बाद नाम पूछने वाला हूँ इससे। पेट हो गया फुल। वीडियो को एंड करते हैं भाई, ये नहीं खाया जाएगा, छोले कुलचे अब नाश्ते में खाए जाएंगे। और भाई टिक्की तो मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है भाई, और भरवा टिक्की शायद वो लाइफ में पहली बार खाएंगी, तो मैं उनको खिलाना भी चाहता था ये। जैसे मैंने पहला बाइट लिया था मेरे को दिमाग में पता नहीं एकदम से आया, मैंने यार मम्मी को बहुत पसंद है, तो ये आइटम दो आइटम आज बच गए हैं। कोशिश पूरी करता हूँ यार मैं खा लूँ, पर क्या करूँ,
थोड़ा बहुत तो बचता ही यार। अब इसमें भी ना बहुत से लोग कमेंट पेलने वाले हैं, बहुत क्रिटिसाइज करने वाले हैं, इतना मत लिया करो, इतना खाया नहीं जाता, तो इतना मत ये करा करो, वो करा करो, फलाना ढिमकाना, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। खुश रहो तुम भी और खुश हैं हम भी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और यहाँ तक वीडियो देख लिया तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब भाई। तुम्हारा भाई फिर से एक नई वीडियो लेके आ जाएगा तुम्हारे बीच में, फिर से होंगी कुछ बातें और कुछ खाएंगे चटपटा कहीं कहीं का। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।